मध्य प्रदेश में बढ़ा बाघों का साम्राज्य। संजय टाइगर रिजर्व में 124 में से 55 बीट में मिले टाइगर के निशान। अब जंगल में 1000 कैमरे लगाकर होगी गणना। संजय टाइगर रिजर्व के जंगल में बाघों ने अपना क्षेत्र बढ़ाया है। 124 बीट की गणना में 55 बीट में बाघों के विचरण के साक्ष्य मिले हैं। बाघों का क्षेत्र बढ़ने के बाद संजय गांधी टाइगर रिजर्व के अधिकारी खुश हैं। अधिकारियों का कहना है कि बाघों का एरिया बढ़ना अच्छे संकेत है। टाइगर रिजर्व के CCF YP सिंह ने बताया कि संजय टाइगर रिजर्व एरिया में पैदल मार्च कर जंगली जानवरों के पग चिन्ह और अन्य निशान के जरिए उनकी गणना की थी। जंगलों में मिले पग चिन्ह रिजर्व के लिए शुभ संकेत दे रहे हैं। यहां बाघों का एरिया बढ़ा है, बाघ जंगलों में लगातार विचरण कर रहे हैं। YP सिंह ने बताया कि रिजर्व क्षेत्र के 124 बीट की गणना में 55 बीट में टाइगर के साक्ष्य मिले हैं, वहीं 103 बीट में तेंदुओं के निशान पाए गए हैं। इस दौरान उनके पग मार्च के साथ उनके विष्ठा खरोज लड़ना, पेड़ में चढ़ना, इसके साथ ही यूरिन के निशान मिले हैं। YP सिंह ने बताया कि 5 से लेकर 11 जनवरी तक टीम ने साक्ष्य कलेक्शन करने का अभियान चलाया था। अन्य कारणों से यह अभियान 13 जनवरी तक चलाया गया है। संजय टाइगर रिजर्व एरिया में 2 चरण में कैमरे लगाए जाएंगे। गुरुवार को व्योहारी, वस्तुआ, दुबरी और पोड़ी के जंगलों में 500 कैमरे लगेंगे, जिसमें 800 में से 600 वर्ग किलोमीटर का एरिया फॉरेस्ट का होगा। वहीं मड़वार, मोहन, टमसार और भुईमाड़ के जंगलों में दूसरे चरण में 500 कैमरे लगाए जाएंगे। यह कैमरे हर 2 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में 2 कैमरे लगाए जाएंगे। कैमरे 25 दिन तक लगे रहेंगे। इसके बाद कैमरे से लिए गए फोटो को वर्ल्ड लाइफ में भेजकर गणना की जाएगी। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए सीधी से ब्यूरो रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। टाइम 8 मध्य प्रदेश आपका अपना चैनल है। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मध्य प्रदेश में बढ़ा बाघों का साम्राज्य। संजय टाइगर रिजर्व में 124 में से 55 बीट में मिले टाइगर के निशान। अब जंगल में 1000 कैमरे लगाकर होगी गणना। संजय टाइगर रिजर्व के जंगल में बाघों ने अपना क्षेत्र बढ़ाया है। 124 बीट की गणना में 55 बीट में बाघों के विचरण के साक्ष्य मिले हैं। बाघों का क्षेत्र बढ़ने के बाद संजय गांधी टाइगर रिजर्व के अधिकारी खुश हैं। अधिकारियों का कहना है कि बाघों का एरिया बढ़ना अच्छे संकेत है। टाइगर रिजर्व के CCF YP सिंह ने बताया कि संजय टाइगर रिजर्व एरिया में पैदल मार्च कर जंगली जानवरों के पग चिन्ह और अन्य निशान के जरिए उनकी गणना की थी। जंगलों में मिले पग चिन्ह रिजर्व के लिए शुभ संकेत दे रहे हैं। यहां बाघों का एरिया बढ़ा है, बाघ जंगलों में लगातार विचरण कर रहे हैं। YP सिंह ने बताया कि रिजर्व क्षेत्र के 124 बीट की गणना में 55 बीट में टाइगर के साक्ष्य मिले हैं, वहीं 103 बीट में तेंदुओं के निशान पाए गए हैं। इस दौरान उनके पग मार्च के साथ उनके विष्ठा खरोज लड़ना, पेड़ में चढ़ना, इसके साथ ही यूरिन के निशान मिले हैं। YP सिंह ने बताया कि 5 से लेकर 11 जनवरी तक टीम ने साक्ष्य कलेक्शन करने का अभियान चलाया था। अन्य कारणों से यह अभियान 13 जनवरी तक चलाया गया है। संजय टाइगर रिजर्व एरिया में 2 चरण में कैमरे लगाए जाएंगे। गुरुवार को व्योहारी, वस्तुआ, दुबरी और पोड़ी के जंगलों में 500 कैमरे लगेंगे, जिसमें 800 में से 600 वर्ग किलोमीटर का एरिया फॉरेस्ट का होगा। वहीं मड़वार, मोहन, टमसार और भुईमाड़ के जंगलों में दूसरे चरण में 500 कैमरे लगाए जाएंगे। यह कैमरे हर 2 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में 2 कैमरे लगाए जाएंगे। कैमरे 25 दिन तक लगे रहेंगे। इसके बाद कैमरे से लिए गए फोटो को वर्ल्ड लाइफ में भेजकर गणना की जाएगी। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए सीधी से ब्यूरो रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। टाइम 8 मध्य प्रदेश आपका अपना चैनल है। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।